सुल्तानपुर कस्बे में एक बार फिर कोरोना के दस्तक। कस्बे में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव रोगी, इस्लाम नगर में 2, तो वहीं SBI बैंक का कर्मचारी भी निकला कोरोना पॉजिटिव। कस्बे में मचा हड़कंप, लगातार रोजाना सामने आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव रोगी। ब्लॉक क्षेत्र में आज निकले 5 कोरोना पॉजिटिव। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे समेत क्षेत्र में यहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सुल्तानपुर कस्बे में प्रतिदिन एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं। यहां पर बुधवार को भी सुल्तानपुर कस्बे में 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, इसमें सुल्तानपुर कस्बे के इस्लाम नगर में 2, तो वहीं SBI बैंक के एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। इसके अलावा दिगो थाने के 2 पुलिसकर्मी यहां कोरोना संक्रमित पाए गए, जिस पर ब्लॉक CMHO डॉक्टर गिरिराज मीणा ने बताया कि सुल्तानपुर कस्बे में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव केस में से 2 को कोटा रेफर कर दिया है, तो वहीं 1 को CM के कंसेंट पर होम आइसोलेट किया गया है। इसके अलावा दिगो थाने के 2 पुलिसकर्मियों को सुल्तानपुर कस्बे में छात्रावास में संचालित कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी यहां मंगलवार को कस्बे में कुल 6 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए थे। इस तरह से सुल्तानपुर कस्बे में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं सुल्तानपुर नगर पालिका प्रशासन भी उदासीन बना हुआ है। अभी भी सुल्तानपुर कस्बे समेत क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी कोरोना जागरूकता जैसे कार्यक्रम यहां आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता नहीं है, तो वहीं खुलेआम कोरोना सुरक्षा एडवाइजरी की भी अवहेलना की जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है।